फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और स्टेशन में बैठ बैठ के बोर हो गए हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो आपका ट्रेन है कहाँ पर है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी ट्रेन का स्टेटस को आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेन स्टेटस लिख के आपको सर्च करना होगा। इस तरीके से आप जैसे सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड नंबर में आप लोग का सामने एक एप्लीकेशन आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेयर इज़ माई ट्रेन। इस एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ से इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ओपन करना होगा। आप जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपके हिसाब से आपका जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, यहाँ से अपना लैंग्वेज को चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद यहाँ पर नीचे में सबमिट कर देंगे। और जैसे सबमिट कर देंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्पॉट, यानी कि आप लाइव यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से फ्रॉम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम स्टेशन से टू स्टेशन, यानी कि आप दो स्टेशन के बीच का आप पता लगा सकते हैं। उसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं कि स्पॉट ट्रेन, यानी कि आपका जो ट्रेन है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं वो इस वक्त कहाँ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम से भी आप सर्च करके देख सकते हैं। उसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं कि लाइव स्टेशन, यानी कि यहाँ से अपना स्टेशन का कोड डाल के यहाँ से पता कर सकते हैं, या फिर नाम डाल के कि उस वक्त ट्रेन उस वहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन के बीच में ट्रेन है कि नहीं, यहाँ से हम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हम कोई भी स्टेशन डाल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्टेशन का नाम डाल दिए हैं। उसके बाद हम जैसे फाइंड ट्रेन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं है इस वक्त। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रन सुविथ इतना प्रॉम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना वायरस के कारण अभी कोई भी ट्रेन यहाँ पर आप शो नहीं कर रहा। पहले अगर आप चेक करते तो इस वक्त आपको मिल जाता है, यहाँ पर ये सब शो होने लग जाता है कि कौन सा ट्रेन किस वक्त में है। इसके बाद हम लोग पीछे आएंगे, पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेन सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपनी कोई भी ट्रेन सर्च कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं साउथ बिहार एक्सप्रेस सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा स्टेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे नीचे आते रहेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी साउथ बिहार एक्सप्रेस जो है यहाँ पर आप शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप ऊपर में एक ऑप्शन देख रहे हैं, आर यू इनसाइड दिस ट्रेन, यानी कि अगर आप ट्रेन के अंदर हैं तो आपको इस एप्लीकेशन में एक खास बात यह है कि इसमें आपको इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें अगर ट्रेन के अंदर आप हैं तो यहाँ से सेल टावर के ऑप्शन आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका शो होने लग जाएगा। यहाँ पर नो डिले नहीं बता रहा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है आपका साउथ बिहार एक्सप्रेस यहाँ पर गम्हरिया जंक्शन में है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका ट्रेन कहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाइव यहाँ पर आप शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको सेल टावर के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रेन का पता कर सकते हैं। उसके बाद आप पीछे आएंगे, पीछे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाइव स्टेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लाइव स्टेशन के ऊपर आप लोग क्लिक करना होगा, और यहाँ से अपना स्टेशन का कोड या नाम डाल के उसे फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।